उत्तर प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने शुक्रवार को केंद्रीय जू अथॉरिटी और वन विभाग के अधिकारियों के साथ अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में बैठक कर चिड़ियाघर के निर्माण कार्यों की समीक्षा की, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने बताया कि गोरखपुर विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। चिड़ियाघर को बनाने के लिए शासन ने 250 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर के निर्माण में पैसों की कमी की वजह से कार्यों में बाधा नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि चिड़ियाघर को सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया बनाकर जनता को समर्पित किया जाए। वन मंत्री ने कहा कि चिड़ियाघर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, जिसका निरीक्षण केंद्रीय जू अथॉरिटी की टीम भी करने आई है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जल्दी चिड़ियाघर को खोलने की परमिशन केंद्र सरकार से मिल जाएगी और जनता के लिए इसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के वन मंत्री तारा सिंह चौहान ने कहा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट यह है और ड्रीम प्रोजेक्ट तो है, ये पूर्वांचल का प्रदेश किनारे जैसे लगता था कि हम तो पोर्ट ब्लेयर में कानपुर एरिया के हिसाब से थोड़ा बड़ा जरूर होगा लेकिन काफ़ी अच्छा होगा। शुरुआत मेरे आप सीजे डे का जो नक्शा प्रूफ था उसी हिसाब से अनुमान आया उसी उस सर जैसे सर ये आश्वस्त होना चाहते थे ड्रेनेज व्यवस्था परफेक्ट रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उस पर वो देख करके आश्वस्त थे। ड्रेनेज के ऊपर जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो है डायरी का जो परपज था यहाँ पे जो है मैक्सिमम ऑफिस मैक्सिमम बारिश की होती है वो 100 to 110 ml के आसपास एक दिन बारिश होती है यहाँ पे, बहुत तेज बारिश होती है पिछले 21 सीजन में बहुत तेज बारिश हुई थी और एक घंटे का जो हमने प्रेसिपिटेशन लिया है वो 30 ml लिया है। मतलब फटने की स्थिति आ जाए कि एक घंटे में 30 ml की हमारी बारिश होती है, उसके हिसाब से हम इसकी डिज़ाइन करें। यहाँ पे हमने जो है पेरिफेरियल जो आपका ड्रेस बनाई है वो 1 meter by 75 cm की हमारी ड्रेन है, 2190 रनिंग है और 600 by 550 की हमारी ड्रेन जो है वो है हमारी 1090 square meter रनिंग मीटर। तो हमारी जो ड्रेन की खाली कैपेसिटी है वो लगभग 19 lakh liter है। फिर यहाँ भी मॉल बना के बाई चांस कभी ऐसी स्थिति बनती है भारत की है उसको एनिमल अपने को सेव कर लेंगे मॉल के लिए। हाँ मॉल के लिए ड्रेनेज में तो कोई वो नहीं ड्रेनेज सिस्टम का हम एक्स्ट्रा भी बना दिया है जैसे कि स्टार वाटर ड्रेन के लिए, सर्विस वाली ड्रेन तो सीधे उस पर चली जाएगी। स्टार वाटर ड्रेन ये स्कॉटर डियर है और वाला जो जानवरों के खेलने के लिए वो था वो हमने बना दिया है। जो नाम से जो सी जी डी ने पब्लिश किया था जो नाम को पूरा किया था परमिशन दिया था उसी हिसाब से बन रहा है। ड्रेनेज सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और माउंट वाले जो बता रहे थे उसको थोड़ा और मारी थोड़ा और पार कर सब पार खुले कितना जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बड़ी जिज्ञासा है कि जल्दी खुले हैं माननीय मुख्यमंत्री की विश्व देखो इनको काम धीमा हुआ है लेकिन कोई बात हो ऐसा होगा नहीं, अगर ऐसा तो उसको भी हम सेफ साइड रख करके चलेंगे। उनके कहने का मतलब ये है ऐसा नहीं कि मतलब कि ऐसा तो नहीं कि जो सिटी ने परमिशन दिया था या मैं खुद सारे लोग मिलकर किए थे और क्योंकि इसके साथ साथ एक तो पौधे कब और लुम्बनी से लेकर के कुशीनगर जहाँ दुनिया के तमाम सारे लोग यहाँ आते हैं जो आएंगे तो एक बार जो है इस चिड़ियाघर में जरूर इंटर करेंगे, एक बार वो रामगढ़ तल का एंजॉय करने के लिए जरूर जाएंगे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कई दृष्टिकोण और ये तो भाई गार्ड गिफ्टेड है कि इतना बड़ा लेक कहाँ मिल पाएगा, ये तो उत्तर प्रदेश में तो मुझे कई नेचुरल है ये नेचुरल है। अब जैसे चूका वाला है, चूका आप लोग गए कि नहीं गए? नहीं आप तो रहे होंगे कि हमारा प्रदेश का वो भी लगता है कि अंडमान निकोबार में हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे देखो की थी और मूल पर तो पता नहीं रस्सा से कहाँ कुछ जो है पुरानी सिप वगैरह लेकर के जैसे गोवा वगैरह में है इस तरीके का वो काम करने वाले हैं देखेंगे।
मतलब कुछ बात करेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं सिटी मोड पे, क्या हो रहा है अगर वो भी है। अच्छा, कोई टाइगर साइटिंग भी चूका में बहुत ही होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे ही टाइगर की साइटिंग जो वहीं पर चूका वाई फर्गेसन वाला जो है ना, उससे मतलब खूबसूरत हो नई नई डिजाइन नए नए कंसेप्ट आते रह गए, कुछ जानवरों की संख्या बढ़ती गई, अच्छा जानवर हमारे पास आ ही गए करीब करीब, तो ठीक है घुमाना कि जितना जल्दी हम दे सकते हैं। देखिए इसमें कहीं कहीं आर एन एम के लोगों की एक तो जो वाल बनाने में ही काफ़ी आप लोगों ने समय उसमें लगा दिया था है, और अच्छा बन रहा है, अच्छा तो बना बने ये कि देर है दुरुस्त, लेकिन हमारी सोच ये रही कि हम इसको टाइम बाउंड जो है इसको, अच्छा पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैसा समय समय पे जब भी इन लोगों ने मांगा तभी शासन ने पैसा रिलीज किया, समय से इसमें कहीं नहीं रही अभी की थोड़ा, लेकिन जो कमियां रही उसको सुधार करके इसको बढ़िया से बढ़िया कोई आप देखते हैं कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि इसको देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का टीम को देखें तो बहुत सारे लोग जो उद्घाटन सोच सकते हैं देखने के लिए। अब इसमें माननीय मुख्यमंत्री को और भी सोच है कि कोई ज़मीन और भी हमको मिल जाती है, इसकी मैं बात हुई वो गंदा है वो भी सब ड्रेजिंग होके ओके हो जाएगा तो साफ पानी रहेगा, और यहाँ पे जो जानवर आएंगे उनके लिए अच्छा भी रहेगा, कोई मतलब रोग नहीं हो सकता कोई दिक्कत। बताइए मुझे तो नहीं पता चला, फोटो तो मैं देखा था लोगों ने किया था, डीओपी लगा दिया है, इतने हर्ष होटल वगैरह बना दिए हैं कि टाइगर साइटिंग नहीं होती इसके बावजूद लोग जाते हैं, लाइन लगी। मैं तो कहता हूँ गोरखपुर का कितना तेजी से विकास हुआ है योगी जी के राज में, और ये सब होने के बाद तो कल मैं देवरिया से आ रहा था देखा तो और भी चारों तरफ भी गोरखपुर काफ़ी तेजी से बढ़ेगा, गोरखपुर तो कई सामरिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे तो नेपाल का सटा हुआ वो है बिहार नेपाल दोनों, बिहार नेपाल तो नेपाल को देखेंगे तो किस थोड़ा जा तो बढ़िया लाइट वाला तो सब हो जाएगा, मेन आपको कंस्ट्रक्शन वाला जो है जो मॉडिफाई करना है आप लोगों को, क्यों आप लोग बिल्कुल राजा मोहन प्रेस के लोग या कुछ यहाँ के जो मानिंद है जो वाइल्ड लाइफ प्रेमी है उनको भी बुला करके एक बार राय कर लो है ना, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे सुझाव मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, खुद मुख्यमंत्री का भी इंटरेस्ट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से काफ़ी अच्छा उनका लगाव है जुड़ाव है और काफ़ी जानकारी भी इस मामले में है, और गोरखपुर के लोग पहले से भी थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ के प्रेमी हैं लोग, इन लोगों से अगर थोड़ा राय करके फार्मल अगर आप लोग बात करोगे तो मुझे लगता है बहुत सारे सुझावी बात मान के चलना कि बहुत सारे व्यवहारिक पक्ष को भी हमें देखना जरूरी है ना, जैसे आपका फ्रंट एलिवेशन आपने बनाया है, आपने जो साइनेज वगैरह का है ठीक है, थोड़ी बड़ी कमियां तो वो हो जाती हैं, और जो सुझाव के पहले कुछ करने से पहले अगर सुझाव ले लेंगे तो एक तो उनके मन में जो मलाल है वो भी दूर हो जाएगा, उनको लगेगा कि हमारा सुझाव माना गया, हो सकता है जो हमने बनाया है उससे अच्छे उनमें सुझाव आ जाए, और उसमें माइनर चेंज करते हुए उसको बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, जैसे एक पेड़ वगैरह का है या माउंटेन वगैरह बनाना है जो थोड़ा देखिए गोरखपुर में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो छिपाने से छिपने वाला नहीं है, गोरखपुर का चतुर्दिक विकास माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, आप रामगढ़ ताल से लेकर के जो ऐतिहासिक जो यहाँ बनने जा रहा है जो महाराज जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, इस पर काफ़ी तेज़ी से सरकार बनने के बाद प्रोजेक्ट तो बहुत दिनों से चल रहा है, आने वाले दिन में बहुत सारे लोग कहेंगे तो मेरे ज़माने का है, लेकिन पैसा चार साल में पता चले कि 4 करोड़ रुपया लोगों ने दिया, और हमारी सरकार आने के बाद 250 करोड़ से ज़्यादा का हमने इसमें पैसा रिलीज किया है, तो इस गोरखपुर के विकास के लिए
खास करके जू के बनाने में कहीं भी पैसे की कहीं कोताही नहीं पड़ेगी, कहीं कमी नहीं पड़ेगी। जितना खूबसूरत जितना अच्छा बन सकता है इन टाइम हमारा प्रयास है कि जो बढ़िया खूबसूरत बन के तैयार हो जाए। अब देखिए चूँकि ये माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी देश की पार्लियामेंट में भी कई बार रहे हैं, देश की पार्लियामेंट में रहने के नाते आम जनमानस उनका सीधा संबंध है, तो सीधा संबंध होने के नाते लोगों का जुड़ाव और सुझाव भी उनको हमेशा मिलते रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने जू की बुनियाद शुरू करने से पहले यहाँ के एक टूरिज्म का हब बनाने की सोच उनकी रही है। जिस तरीके से बौद्धिक सर्किट होने के नाते यहाँ दुनिया के तमाम सारे पर्यटक यहाँ आते हैं, चाहे कुशीनगर चाहे लुम्बिनी तक लोग जाते हैं, गोरखपुर से होकर जाते हैं, तो इसका माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान रखा। और इससे बहुत सारे जो चेंजेस कुछ हुए हैं साइनेज को लेकर के और सारे बाड़े को लेकर, कुछ जानवर को लेकर के कौन जानवर आएंगे, और आप लोगों को पता है कि अगर एक भी अगर ईंट हमें रखना है जू में तो बिना सीजेडे के जो सेंट्रल जू अथॉरिटी हमारी है बिना उनके अप्रूवल के हम नहीं रख सकते हैं। तो किसी काम को प्लान बनाने में अप्रूव कराने में थोड़ा वक्त लगता है, और यही कारण है कि जू कब खुलेगा ये हमारी सीजेडे की जो टीम यहाँ आई है जो फाइनल टच देने के लिए, ये अब साफ हो गया है कि जू अब जल्दी ही खुलने वाला है, बस डेट महाराज से लेकर के हम लोग इसको तय कर लेंगे।